जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें 9 दिसंबर से अपलोड होंगी आपकी ओरिजिनल दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। 9 दिसंबर से आपकी दस्तावेज अपलोड होंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है पूरा। देखिए, राज्य सरकार के शासकीय प्राइमरी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। गेस्ट टीचर की मार्किंग की प्रक्रिया हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल में जो है स्कूलों में 18,527 पदों पर भर्ती होने, इसके लिए 6 दिन बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। वहीं 7 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर से उम्मीदवारों को काउंसलिंग पोर्टल पर ओरिजिनल दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने हैं। लेकिन कई उम्मीदवार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन मंडल द्वारा सितंबर में आयोजित DLED सेकंड की परीक्षा के रिजल्ट की मार्कशीट नहीं मिलने के कारण परेशान है। वहीं दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। और मौसम के सेक्रेटरी श्रीकांत जी का कहना है कि शुक्रवार को ही संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर स्थिति जानेंगे। छात्रहित में जल्द से जल्द मार्कशीट उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें मासिम द्वारा वेबसाइट पर जारी प्रोविजनल मार्कशीट के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाए या फिर 9 दिसंबर तक ओरिजिनल मार्कशीट उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार जो है ये आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसमें 9 दिसंबर से आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वह अपलोड किए जाएंगे। तो ये न्यूज थी, तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।